दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वालों के डब्बा टीवी को स्मार्ट टीवी कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा पास एक जो ओल्ड टीवी है, जो डब्बा टीवी है, तो उसको मैं स्मार्ट टीवी बनाना है। उसमें मैं यूट्यूब चलाना है, किसी भी ऐप चलाना है। यहाँ से आपको ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आपको वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको डब्बा टीवी को कैसे स्मार्ट टीवी बनाना है तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको डब्बा टीवी को स्मार्ट टीवी बनाने के लिए यहाँ से आपको एक एडेप्टर लेना है। तो यहाँ से मैंने जो मिनी HDMI टू AV का जो कन्वर्टर आता है यहाँ से मैंने ले लिया है। तो वैसे आपको मिनी HDMI टू AV का जो कन्वर्टर है वही आपको ले लेना है। और आपका यहाँ पे जो USB केबल आता है उसके साथ वही आपको चार्जिंग में लगाना है, क्योंकि मैं जो पूरा डब्बा टीवी है उसको मैं पूरा स्मार्ट टीवी बना के यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से आपको जो 3 पिन आता है वही आपको ले लेना है। और आपको 3 पिन है वही आपका जो कलर जैसा दिख रहा है उसमें आपको लगाना है। तो यहाँ से मैंने वीडियो और ऑडियो के लिए यहाँ से मैंने 3 पिन को लगा दिया है। तो वैसे आपको 3 पिन को यहाँ से आपको कनेक्ट कर देना है और इसे 3 पिन आपको यहाँ पे जो टीवी के पीछे लगाना है। तो चले मैं आके आपको सभी प्रोसेस है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गैस आपका जो डब्बा टीवी है उसको आपको स्मार्ट टीवी बनाना है। उसमें सभी ऐप एंड जो वीडियो है, कई सारे चैनल है, ब्लूटूथ उसमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको एक फायर टीवी स्टिक है वही आपको लेना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा पास एक जो अमेजोन का फायर टीवी स्टिक है यहाँ से हमने ले लिया है, वही आपको HDMI में यहाँ से आपको लगाना है। तो चलिए ऐसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वैसे आपको लगाना है और उसके साथ एक जो चार्जिंग आता है वही आपको लगाना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से जो पूरा सेटअप है यहाँ से हमने कर दिया है। आपको कैसे केबल लगाना है वही मैंने आपको बता दिया है। तो वैसे आपको केबल को लगाना है, जो दो चार्जिंग है वही आपको प्लग में कनेक्ट करना है और दूसरा जो 3 पिन है वही आपको टीवी में लगाना है। तो चलिए यहाँ से मैं डब्बा टीवी में सभी प्रोसेस है यहाँ से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो वैसे आपको यहाँ पे सेटअप कर देना है। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि आपका जो डब्बा टीवी है तो उसमें जो पिन आता है वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए, वैसे आपको 3 पिन को यहाँ से आपको कनेक्ट कर देना है। तो चलो मैंने 3 पिन को यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो वैसे आपको कनेक्ट कर देना है और आपका जो डब्बा टीवी है उसको आपको ऑन करना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि दो चार्जिंग है यहाँ से हमने लाइट के प्लग में लगा दिया है। तो यहाँ से मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ। तो हमारा जो टीवी है उसको मैं ऑन करना है। तो आपका जो टीवी में पावर का बटन है वही आपको प्रेस करके AV को सिलेक्ट कर देना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से हमारा जो डब्बा टीवी है वही हमारा पूरा स्मार्ट टीवी बन जाएगा। तो वैसे आपको वेट करना है और वेट करने के बाद आपका जो मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करके रखना है, क्योंकि आपका जो डब्बा टीवी है तो उसमें आपको वाईफाई कनेक्ट कर देना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि पूरा जो डब्बा टीवी है यहाँ पे हमारा स्मार्ट टीवी बन चुका है। तो गैस स्क्रीन पे देख लीजिए कि पूरा जो यहाँ पे स्मार्ट टीवी बन चुका है। तो आपको किसी भी वीडियो देखना है, फोटो देखना है, या से आपको यूट्यूब चलाना है तो आपको डब्बा टीवी में यूट्यूब को या से आपको प्ले कर सकते हो। तो चलिए इसमें प्ले करके आपको बताने वाला हूँ। तो गैस स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से हमने यूट्यूब को ओपन कर दिया है डब्बा टीवी में। तो सही से जो यूट्यूब है यहाँ पे हमारा चल रहा है। तो सही से आपको यहाँ पे यूट्यूब को ओपन कर सकते हो, किसी भी वीडियो देखना है तो यहाँ से आपको प्ले करके वीडियो पे देख सकते हो। तो सही से हमारा जो डब्बा टीवी है तो उसमें सही से यूट्यूब है यहाँ पे हमारा चल रहा है। तो आपको किसी भी डब्बा टीवी है उसको आपको स्मार्ट टीवी बनाना है, स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना है। तो वैसे मेरे भाई आपको आसान तरह के यहाँ से आपको
कर सकते हो। यहाँ से आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो डब्बा टीवी में ब्लूटूथ भी आपको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। किसी भी गेम खेलना है तो गेम पे क्लिक करके यहाँ से आपको किसी भी गेम है यहाँ से आपको प्ले कर सकते हो। तो सही से हमारा जो डब्बा टीवी है वही हमारा पूरा स्मार्ट टीवी बन चुका है। कई सारे चैनल है यहाँ से आपको देखना है तो यहाँ से आपको देख सकते हो। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि पूरा जो डब्बा टीवी है यहाँ से हमने स्मार्ट टीवी बना दिया है। तो वैसे आपको पुराना जो डब्बा टीवी है उसको आपको स्मार्ट टीवी बनाना है तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आपको फॉलो करके यहाँ से आपको आसान तरीके बना सकते हो। तो सही से यहाँ पे जो हमारा टीवी है उसमें जो स्मार्ट टीवी है यहाँ से हमने पूरा बना दिया है। तो वैसे आपको कनेक्ट करके यहाँ से आपको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर ज़रूर करना। तो चलते नेक्स्ट वीडियो में।